ब्राह्मण और तीन बदमाश। काफी समय पहले लखनऊ के एक छोटे से गांव में एक गप्पू नाम का ब्राह्मण रहता था। वो लोगों के घरों में पूजा पाठ करके अपना जीवन व्यापन करता था। एक बार गप्पू को दूसरे गांव से एक सेठ ने अपने घर में पूजा पाठ करने के लिए बुलाया। गप्पू की भक्ति से प्रसन्न होकर सेठ जी ने दक्षिणा के रूप में गप्पू को एक मोटी ताजी बकरी दे दी। गप्पू खुशी खुशी बकरी को लेकर अपने गांव वापस लौटने लगा। गप्पू के गांव के रास्ते में उसको एक जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। उस जंगल में तीन ठग, मुन्ना, सुल्तान और छगन रहते थे। लोग निहायती बदमाश और शैतान थे। उस जंगल से जब भी कोई राहगीर गुजरता तो ये तीनों उसे पागल बनाकर उसे ठग लेते थे। और आज जब उन बदमाशों ने गप्पू को मोटी ताजी बकरी के साथ देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे छगन भाई, ऐसी मोटी ताजी बकरी इस ब्राह्मण के पास क्या कर रही है? सही में यार, इस ब्राह्मण को इस बकरी का क्या काम? छगन भाई, इस आदमी से ये बकरी छीनने का प्लान बनाइए ना, तो आज अपन लोग की पार्टी पक्की। हाँ यार, बात तो तुम सही कह रहे हो। वो तीनों ठग, मुन्ना, सुल्तान और छगन बकरी को उस ब्राह्मण से छीनने का प्लान बनाने लगे। क्या आइडिया दिया है छगन भाई, अब तो इस ब्राह्मण की बकरी हमारी। सबसे पहले सुल्तान ने गप्पू का पीछा किया और उसके पास जाकर बोला, हे राम हे राम, ब्राह्मण महाराज, आप इस कुत्ते को कहां लेकर जा रहे हैं? आपने धर्म कर्म सब छोड़ दिया है क्या? शास्त्रों के मुताबिक तो ब्राह्मण तो कुत्ते को पसंद नहीं करते, और आप इसे अपने साथ लिए जा रहे हो। हे राम हे राम, हट बुर्बक, घूम गया है का? यह बकरी तुम्हें कुत्ता दिखाई दे रही है? पहले तुम जाकर अपने दिमाग का इलाज कराओ और मेरा समय मत खराब करो। बुरा क्यों मानते हैं ब्राह्मण महाराज, मैं तो बस वही बोल रहा था जो मैं देख रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। हे राम हे राम। ये बोलकर सुल्तान वहां से चलता बना। और अब गप्पू थोड़ी दूर पहुंचा ही था कि मुन्ना अब उसे बहकाने आ गया। अरे ब्राह्मण महाराज, ये क्या करने जा रहे हैं? ये सब काम आपको शोभा नहीं देता। क्यों, क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया मैंने? अरे आप एक ब्राह्मण होकर इस मरे हुए बछड़े को अपने साथ लिए जा रहे हैं, आप हुक्म कीजिए, मैं इस मरे जानवर को आपके घर पहुंचा दूंगा। आप पे ये सब काम शोभा नहीं देता, आप मत कीजिए ये सब। अंधे हो गए हो का? इतनी बड़ी बकरी तुम्हें मरा हुआ बछड़ा दिख रही है? तुम तो मुझे एकदम पागल मालूम होते हो, चलो भागो यहां से। अरे ब्राह्मण देवता, गुस्सा क्यों होते हैं? मैं तो बस आपकी मदद करने आया था और आप मुझ पे ही चिल्लाने लगे। राम 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 राम, क्या जमाना आ गया है यार। ये बोलकर दूसरा ठग भी वहां से चलता बना। अब गप्पू चलते चलते ये सोचकर काफी हैरान हो रहा था कि लोग उसकी बकरी को कभी कुत्ता तो कभी मरा हुआ बछड़ा क्यों बोल रहे हैं। हे प्रभु, मुझे तो ये बकरी ही दिख रही है, ना जाने क्या हो गया है सबको। अभी वो थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि अब छगन भाई उसे परेशान करने वहां आ गए। अरे ब्राह्मण देवता, आपने तो हद ही कर दी, इस तरह सरेआम मरे हुए घोड़े के बच्चे को कहां लिए जा रहे हैं? आपको इस समाज में रहना है कि नहीं? अगर कहीं गांव वालों ने आपको ये पाप करते देख लिया तो कितनी छीछी तूतू होगी आपकी, वो तो आपकी इज्जत करना छोड़ देंगे। हाँ बता दे रहा हूं मैं। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, तुम्हें इतनी बड़ी बकरी नहीं दिख रही क्या? इस बार गप्पू के जवाब में
ना तो पहले जैसा विश्वास था और ना ही पहले जैसा गुस्सा। अरे ब्राह्मण महाराज, क्या हो गया है आपको? घोड़े के बच्चे को बकरी का बच्चा बता रहे हैं। खैर, आप जैसा उचित समझिए वही करिए। मैं तो बस आपका शुभ चिंतक बनकर आ गया था। कमाल करते हैं लोग भी आजकल। तीनों आदमियों की बात सुनकर ब्राह्मण काफी हैरान और परेशान हो गया। अरे यार, अभी तक जितने भी लोग मिले हैं, किसी ने मेरी बकरी को कुत्ता तो किसी ने मरा हुआ बछड़ा कहा, अब इस आदमी ने तो इसे घोड़े का बच्चा ही बता दिया। हे राम, कहीं ये भूत प्रेत तो नहीं जो बार बार रूप बदल रहा है? इसे यहाँ फेंक कर भाग जाना ही अच्छा है। ब्राह्मण उस बकरी को वहीं फेंक कर बड़ी तेजी से वहां से भाग गया। क्या लल्लू बनाया भाई! छगन भाई, बदमाशी का आइडिया लाने में आपका तो कोई जवाब ही नहीं। सुल्तान और मुन्ना, तुम लोग भी कम बदमाश नहीं हो। पार्टी करनी है, हम पार्टी करेंगे, गप्पू को पागल बनाकर करेंगे। और उस रात तीनों बदमाशों ने गप्पू की बकरी को खाकर खूब एंजॉय किया। हाय किड्स, मैं हूँ वीआर। मजा आया आपको? इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए और हमेशा अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल वीआर किड्स पर और भी मजेदार कहानियां हैं, आप उन्हें भी जरूर देखना। और अगर आपको इस कहानी में मजा आया तो अपनी मम्मी और टीचर्स को भी बताइएगा कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जल्द मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ। बाय।